पे जो ना फुल हो चुका है अपना टैंक सीएनजी का, देखते हैं कितने किलो आई यहाँ। आ गया हूँ मैं पेट्रोल पंप पे, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल नहीं, आज हम सीएनजी फिल कराने वाले हैं, क्योंकि भाई अपने साथ में आज टाटा टियागो सीएनजी, वो भी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ में। तो भाई आज मैं देखने वाला हूँ टाटा टियागो सीएनजी ऑटोमेटिक क्या माइलेज अपने को निकाल के देने वाली है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भाई लाइन में लगना पड़ेगा, आप चाहे दिल्ली में करा लो फुल, चाहे कहीं पे भी करा लो, आजकल जो ना उतनी लंबी लाइन नहीं रही, बट यार सीएनजी में ना एक पे थोड़ा सा दुख है कि आपको लाइन में लग के फिर जो है फिल करानी पड़ती है, क्योंकि सीएनजी की गाड़ियां होगी ये ज्यादा, और ठीक है यार ज्यादा होनी भी चाहिए, मैं तो बोलूंगा भाई और ज्यादा लंबी लाइन लगे क्योंकि पॉल्यूशन जो उतना ही कम होगा। तो अभी जो ना अपन ऑडोमीटर वगैरह जो है देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप टोटल देखो 2378 किलोमीटर अभी तक चली है, उसके बाद ट्रिप ए वगैरह मैं जीरो कर लेता हूँ। तो ये देखो ट्रिप ए इसकी 70 किलोमीटर है, इसको मैं कर लेता हूँ, यहाँ से ये जीरो होगी, ये लो जी जीरो कर लिया, और यहाँ से अपन फुल कराएंगे तो आई थिंक 20-30 मीटर ही है, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे जो ना अभी सीएनजी में दो डंडे हैं, 60 लीटर का इसका टैंक, 8 से 10 किलो ही आती है, यहाँ पे दो डंडे हैं और अपन इसको फुल कराएंगे एंड देन अपन इसको चलाएंगे। भाई अभी तो मैं अकेला हूँ, लेकिन 10 से 15 किलोमीटर बाद मेरे साथ में मेरी फैमिली बैठेगी, यहाँ पे एक बंदा बैठेगा, मतलब दो तीन पीछे बैठ जाएंगे, तो 4-5 लोग हम जाने वाले हैं। और कहाँ जाने वाले हैं हम जो है भाई, गुड़गांव से और खाटू श्याम जी जाएंगे, तो वहाँ तक अपने को पता चल जाएगा गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। गाड़ी ऑटोमेटिकली पेट्रोल में शिफ्ट हो जाएगी जैसे ही सीएनजी खत्म होगी, वैसे फिलहाल ये सीएनजी में लगी हुई है, आप लोग देख सकते हो। तो जब ये ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगी ना सीएनजी से पेट्रोल में खत्म हो गए, तब मैं आपको बताऊंगा कितने किलोमीटर गाड़ी चली है अपनी, एंड देन आप लोगों को भी पता चल पाएगा कि भाई कितनी चलती है ये एक टैंक में। यहाँ पे जो ना आपको टीपीएमएस वार्निंग दिख रही होगी, तो हम हवा वगैरह भी फिल करा लेंगे जो इसके ऊपर यहाँ पे शो की गई है, वो वाली ये देख लो 36 33, तो फ्रंट में जो 33 एंड पीछे जो 36 में हवा रखने वाला हूँ, तो वो अपन वहां से करा लेंगे, क्योंकि इसमें जो थोड़े हाई प्रोफाइल टायर्स आते हैं तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होती, हवा ज्यादा ही डलवानी पड़ती है। तो चलो जी चलते हैं और देखते हैं कि ये ऑटोमेटिक गाड़ी जो 28 का दावा करती है, क्लेम करती है मतलब माइलेज का, क्या वो दे पाएगी, और क्या ये फर्स्ट टाइम लोग जो लेने वाले इस गाड़ी को, क्या उनके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और कराते हैं टैंक को फुल। अभी जो ना मेरे को हैंड ब्रेक लगा के तब गाड़ी आगे उठानी पड़ रही है, क्यों, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर हिल होल्ड नहीं है, जैसे आप ब्रेक पैडल से पैर हटाओगे तो आपकी जो गाड़ी है ना वो पीछे भागेगी। बाकी यहाँ पे लाइन में मैं आ चुका हूँ और अब कराते हैं। नंबर अपना आ चुका है, यहाँ से मैं खोल देता हूँ फ्यूल कैप और गाड़ी से बाहर निकल लेते हैं, कराते हैं फुल टैंक। ये देख लो यहीं पे जो ना लग जाती है अपनी फ्यूल की जो, मतलब सीएनजी की जो लीड है ना, ये यहीं से लगती है, और 200 बार से भी ज़्यादा भाई यहाँ पे प्रेशर रहता है जब आपकी गाड़ी में सीएनजी फिल होती है ना तब। तो भाई यहाँ पे जो ना फुल हो चुका है अपना टैंक सीएनजी का, देखते हैं कितने किलो आई यहाँ पे, 4.3 केजी आई है, ये देखो 325 रुपये की आई है, फुल टैंक हो गया अपना। और गाड़ी कर लेता हूँ मैं स्टार्ट, अब देखते हैं इसके अंदर कितना शो करता है ये प्रेशर। ये देखो फुल आ गया है, कम्प्लीट फुल हो गया अपना टैंक, और अब देखेंगे अपन कितने किलोमीटर चलती है। भाई अभी मैं घर जाऊंगा, ठीक है, घर मेरा लगभग 10 से 12 किलोमीटर कुछ पड़ेगा, उसके बाद फैमिली के साथ में ट्रैवल करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा मतलब किस लेवल की जो है माइलेज ये देती है एक टैंक में कितनी। बाकी यहाँ से हवा वगैरह मैं फिल करा लेता हूँ। तो अभी ना मैंने इसमें हवा फुल कराई, मैंने 35 कराई थी, 35 जो है प्रेशर सेट कर रखा था, लेकिन इसमें क्या है एक टायर में दिखा रहा है 41, एक में 40, एक में 46, एक में 36, तो कहीं ना कहीं जो ना कुछ किलोमीटर तक ये ऐसे ही दिखाएगा ऊपर नीचे, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सेट हो जाए 41 46 36 40। अभी जो है भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो 0.7 किलोमीटर अपने डन हो गए, और ऊपर देखो भाई तो चलाते हैं अभी इसको कुछ किलोमीटर और फिर देखते हैं क्या कुछ माइलेज ये देगी। अब मैं बीच में ये तो दिखा नहीं सकता कि एवरेज क्या दे रही है, क्योंकि इसके अंदर माइलेज शो नहीं करता सीएनजी में। तभी जो ना मैंने लगभग 15 किलोमीटर चला दिया गाड़ी 14.9, तो 15 किलोमीटर चल जाएगी मेरे घर पहुंचते पहुंचते, और 15 किलोमीटर ये लगा लो कि मैंने जो ना थोड़ा लोकल में ही चलाया इसको, उसके बाद जो है हाईवे चलेंगे कुछ परसेंट, तो कंप्लीट जो होगा ना मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा भाई कितने परसेंट हम हाईवे पर चले और कितने परसेंट जो है सिटी में चले हैं। फिलहाल तो बिल्कुल ही लोकल रोड्स पे चल रहा हूँ, जहाँ पे भाई आप 20-30 से ज़्यादा चल ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रेकर्स वगैरह ही जो है इतने होते हैं। तो भाई 7 बजे मतलब अब मैं निकलूँगा घर से, क्योंकि दिन में ना गर्मी इतनी होती है कि भाई फिर कंफर्टेबल नहीं होता 4-5 लोगों के साथ में, तो अभी फैमिली के साथ में जा रहा हूँ और अब हम निकलेंगे, रात का पूरा सफ़र रहेगा, दिखाऊंगा आपको आगे देखते जाओ आप लोग वीडियो। यहाँ पे जिमनी खड़ी है, यहाँ पे टियागो, और भाई यहाँ पे अपनी स्विफ्ट खड़ी है,
चलो तभी जो ना मैं लगभग 32 किलोमीटर चला और इसका जो ना सीएनजी का एक डंडा जो है भाई चला गया, मतलब एक बार इसका गायब हो गया। बाकी अभी द्वारका एक्सप्रेस वे पे मैं था और यहाँ से अब मैं उतरूंगा डायरेक्ट रेवाड़ी जाऊंगा, रेवाड़ी से जो है भाई फिर मैं अपने गाँव की तरफ जाऊंगा। तो उस हिसाब से ना काफी किलोमीटर चल जाएंगे, तो पता चल जाएगा उस हिसाब से कि भाई गाड़ी क्या चलने वाली है अपनी। तो यहाँ पे जो ना अभी मैं 60 किलोमीटर चल चुका हूँ और दो डंडे इसके गायब हो चुके हैं सीएनजी के, तो लगभग अभी जो 60% और बची है। लेकिन सामने देखो लाइट से इसमें है ही नहीं भाई बिल्कुल भी, मतलब हाई बीम करूँ ना मैं तो आप देखना, हाई बीम थोड़ी बहुत है वरना लो बीम तो इसकी बिल्कुल ही वीक है। 8:38 हो गए हैं और अपनी गाड़ी जो है ना भाई लगभग चल गई 97 किलोमीटर एंड दो डंडे बचे अभी सीएनजी के, तो देखते हैं कितने किलोमीटर चलेगी। एंड अभी तक जो है ना इसका एसी भी ऑन था और लास्ट टाइम जब फिल कराया था ना तो 3 डंडे ही गायब थे और इसमें आई थी लगभग 4.5 किलो के आसपास। तो वही मान लो आपकी ऑलमोस्ट हाफ टैंक इसका जा चुका है एंड हाफ टैंक में ही 100 किलोमीटर के आसपास चलेगी, तो 200 किलोमीटर भी चल जाती है ना तो ये है कि मतलब हाँ ठीक है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि 200 से ऊपर ही चल जाएगी, तो देखेंगे भाई कितनी चलेगी कितनी नहीं। बाकी फिलहाल तक जो है ना एक हिसाब से सीएनजी गाड़ी जो है काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करती है टाटा टियागो, और ऊपर से ऑटोमेटिक में कहीं पे भी दबती नहीं है, पावर वगैरह इसके अंदर बढ़िया है, इसको आप मैन्युअली भी चला सकते हो और भाई ऑटोमेटिक शिफ्टर पे भी आप चला सकते हो। तो यहाँ पे ना भाई मैं अभी 128 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका हूँ टाटा टियागो सीएनजी ऑटोमेटिक के साथ में एंड एसी ऑल टाइम ऑन रहा है एंड उसी के साथ अभी दो डंडे इसके अंदर शो कर रही है ई एंड इससे आगे। थोड़ी देर पहले जो है ना ये एक भी नहीं था, मतलब सिर्फ एक ही डंडा बच रहा था ई वाला लास्ट बार एंड यहाँ पे सीएनजी का जो है मतलब शो कर रहा है। थोड़ी देर पहले जो है ना वार्निंग भी आ गई थी इसके अंदर। तो 128 किलोमीटर तो भाई हमने कंप्लीट कर लिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ 200 किलोमीटर आसपास चल जाए, इनफ है यार, मतलब 200 भी चल जाती है तो क्या माइलेज निकलती है देखते हैं एक बार। तो ये देखो यदि 200 किलोमीटर अपनी गाड़ी चलती है ना तो डिवाइड कर लो भाई इसको 8 किलो से, 8 किलो के आसपास ही आती है तो 25 की माइलेज है। और यदि भाई आप 200 को डिवाइड करते हो 9 से तो लगभग 22 की, तो वही 22 से 25 के आसपास इसकी माइलेज मेरे को मिल जाएगी। बट मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मतलब वही 25-26 के आसपास, तो देखते हैं। अभी टाइम आप लोग देख लो भाई 11:25 हो गए हैं और मैं जो है ना थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था मैंने यहाँ पे, तो अभी जो है ना अपन निकलते हैं दोबारा से इसको चलाएंगे कुछ किलोमीटर जब तक ये चलेगी तब तक। तो भाई अभी जो है ना 5 लोग हैं गाड़ी में और बिल्कुल भी गाड़ी दाब नहीं मान रही, मस्त बढ़िया तरीके से चल रही है। तो 150 किलोमीटर पे जो ना इसका लास्ट जो बार था वो जो है ब्लिंक करने लग गया, अब देखते हैं और कितने किलोमीटर चल पाती है। तभी जो सीएनजी से गाड़ी हट चुकी है ऑटोमेटिकली, ये देखो सीएनजी का बार तो शो कर रहा है लास्ट वाला, लेकिन वो जो सीएनजी लिखा हुआ था ना वो गया। और यदि मैं इसमें दबाता भी हूँ ना यहाँ पे बार बार, ये देखो मतलब हो ही नहीं रही है। तो ये चली है लगभग 206 किलोमीटर के आसपास चली थी, 206 पे बंद हो गई थी, तो वही 206 के आसपास जो है एक टैंक में चलेगी। अब माइलेज आपको बताता हूँ भाई, 200 पे जो नहीं थे आप 8 से डिवाइड कर रहे थे तो 25 की निकल रही थी, और 6 किलोमीटर और बढ़ा लो तो वही 25 के आसपास ही रही, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो इसने जो है ना 5 लोगों के साथ में जो माइलेज दी है वो काफ़ी बढ़िया दे दी है। सो इस आप लोगों ने जो है ना माइलेज तो देख ली भाई, मतलब 25 के आसपास जो देती है। यदि मैं 8 किलो लेके चलता हूँ गैस तो 10 किलो रखूँ तो भाई वही मान के चलो कि 22 के आसपास, तो 22 से 25 के बीच में माइलेज दे देगी। डिपेंड करता है कैसे चला रहे हो आप, ठीक है। जिस हिसाब से मैंने चलाई थी ना उस हिसाब से जो है ठीक दिया आप इससे, मतलब 27-28 तक भी निकाल सकते हो, वो आपको मतलब एक स्पीड लिमिट रखनी पड़ेगी तब जाके देगी। तो ये था यार एक डिटेल्ड इसका माइलेज टेस्ट, बाकी मैं दिखाता हूँ भाई कहाँ हूँ अभी फिलहाल। तो भैया आज अपन आए थे ये देखो जय श्री श्याम खाटू श्याम जी के यहाँ पे। तो कैसा लगा भाई आपको ये इसका पूरा कंप्लीट रेंज टेस्ट, एंड ये जो है ना भाई पेट्रोल में भी काफ़ी बढ़िया माइलेज दे देती है, तो पेट्रोल में भी जो अराउंड 21-22 के आसपास इसने दे दी थी। फिलहाल देख लो सिर्फ 2 बार गिरे हैं पेट्रोल के, एक तो भाई जस्ट लाइक जैसे शिफ्ट हुई वैसे ही जो है गिर गया था, दूसरा फिर जो है लगभग 100 किलोमीटर बाद गिरा था। तो पेट्रोल में भी इसकी बढ़िया अच्छी खासी माइलेज है, मतलब वही बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बट हाँ ठीक है सीएनजी सस्ती है थोड़ी सी और ज़्यादा, मतलब आपको जो है 2-3 किलोमीटर ज़्यादा ही उसमें देखने को मिलेंगे। बट मेरे को ये लगता है कि यार सीएनजी में लेके कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप जो है ना ऑटोमेटिक लोगे ना यदि सीएनजी में माइलेज के लिए तो कोई वर्थ इट नहीं है। आप ऑटोमेटिक ले रहे हो तो नॉर्मल पेट्रोल में लो, सीएनजी में लेने का कोई सेंस नहीं बनता। हाँ माइलेज आपको सीएनजी मैनुअल में ज़्यादा मिलेगी कंपेयरिंग टू दिस ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, बट ऑटोमेटिक के हिसाब से जो है ना 25 किसने सीएनजी में अच्छी खासी दे दी, बट उतनी जो है ये नॉर्मल पेट्रोल में भी दे देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो जी कुछ आज की वीडियो में कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट कर लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, लव यू गाइस।